नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास ये पिछले साल के रखे हुए हैं फोरचूल का मोस रोज के प्लांट, और इनकी जो लंबी लंबी स्टेम है वो सारी सूखी सूखी सी होगी। हालांकि ये सूखी नहीं है, इनको भी मैं वापस से किसी दूसरे नए पोट में लगा दूंगी। इनकी अब मैं कटिंग कर दूंगी, क्योंकि ये पोट जो हैं ये इनके अंदर ये इस तरह की लटकी हुई है स्टेम, अच्छी नहीं लग रही है। और इनकी न्यू ग्रोथ निकलने शुरू हो गई है, कितनी सारी इनकी ग्रीनरी बननी शुरू हो गई है, लीफ निकलने शुरू हो गई है छोटी छोटी सी। अब इसकी कटिंग करने के बाद इसकी गुड़ाई, इसके अंदर खाद डालना, ये सब काम करना है। अब इनके अंदर हर 15 दिन के अंदर कोई ना कोई खाद आपको डालते रहना है। मेरे पास ये 4-5 प्लांट है। ये वाला पोट कुछ टूट भी गया है, बंदर ने घेर दिया था। मैंने इनकी सबकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब इसमें जो काम करना है वो है गुड़ाई का। गुड़ाई करने से क्या है, जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर तक चली जाती है, जड़ों तक। गुड़ाई हर एक प्लांट की करते रहना चाहिए 10-15 दिन में। अब मैंने इनको चेक कराए तो ये रूट बोंड नहीं है। अगर ये रूट बोंड होते तो मैं इनको वापस से दूसरे पोट में लगाती, लेकिन ये रूट बोंड नहीं है, ये इसी में ही अच्छे से चल जाएंगे। अब मैं इनके अंदर डालूंगी वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि मेरे पास ये है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। 15 दिन के बाद फिर मैं डालूंगी इसके अंदर चाय पत्ती, पर अब फिलहाल मैं इसके अंदर 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी, क्योंकि इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। और ये बरसात में इतने भर भर के फूल देता है, और ये कलरफुल इतने फूल खिलते हैं। और इसकी वैरायटी 2 होती हैं, एक देसी है, एक हाइब्रिड है। देसी में तो 1-2 ही कलर होते हैं, लेकिन हाइब्रिड में बहुत सारे कलर इसके अंदर मिल जाएंगे आपको नर्सरी पे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अंदर खाद डालने के बाद पानी अच्छे से डाल दें, पानी ज़रूरी है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत